रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई गई। केंद्र सरकार की योजनाओं को बताने के साथ साथ राज्य सरकार की विफलताओं को आम महिलाओं तक ले जाने के लिए विशेष चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय महिला मोर्चा के पदाधिकारियों का भी दौरा छत्तीसगढ़ में होगा। आज महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष, जिले के प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में आगामी जो कार्य योजना है उसको लेकर चर्चा हुई। जनसंपर्क महाअभियान में सभी मोर्चों को काम दिया है, इसको लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रवास योजना बनी है, उसको लेकर आज की बैठक में चर्चा हुई है। हाँ जी, लगातार राष्ट्रीय पदाधिकारियों के प्रवास हो रहे हैं, आने वाले समय में भी जिले स्तर पर भी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के प्रवास होंगे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर मंत्री कवासी लखमा के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। धर्मांतरण के मुद्दे पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कवासी लखमा को चुनौती दी, कहा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं बीजेपी के बयान पर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बीजेपी पर पलटवार किया, कहा कि 15 सालों में बीजेपी के शासनकाल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। लेकिन कांग्रेस के बैठे हुए लोग केवल बयानबाजी करते हैं। कवासी लखमा ने तो बड़े दावे के साथ कहा था ना कि हम क्या कहते हैं, एक भी मामला आएगा तो हम तत्काल इस्तीफा देंगे। मैं चुनौती देता हूं कवासी लखमा को, यदि आप सही में, यदि आप में नैतिक साहस है, वास्तव में एक आदिवासी पुत्र हो, तो इस मामले को लेकर के तत्काल आप इस्तीफा दें। ये धर्मांतरण की जहां तक बात है, बीजेपी शासनकाल में जितना धर्मांतरण हुआ है ऑन द रिकॉर्ड है, उसमें तो कभी कभी नहीं हुआ है, और समय में कितना हुआ है। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। बीजेपी महिला मोर्चा की अहम बैठक, केंद्र की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने की बनी रणनीति। सतमा में 303 करोड़ के विकास कार्यों की स्वागत, सीएम भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण और शिलान्यास। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत भोपाल जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता, देशभर के 3000 कार्यकर्ता भोपाल में होंगे एकत्रित। में धर्मांतरण पर सियासी रार, पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने निशाना साधा। धर्मांतरण के मुद्दे पर कवासी लखमा से मांगा इस्तीफा। कोनेगांव में नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फिरा, 5 किलो का आईडी बम बरामद किया गया डिफ्यूज। दुर्ग पुलिस ने चलाया कॉमिंग गश्त अभियान, वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चला महाअभियान। कोरिया में प्रशासन के पैसों का हो रहा दुरुपयोग, यांत्रिकी विभाग कार्यालय में बिना स्वीकृति के लगे एसी। बसों से कल शुरू होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बूथ चलो अभियान, पार्टी के तेज की चुनाव तैयारियां। छत्तीसगढ़ में बाकी मोगरा बनेगा नया नगर पालिका, कटघोरा विधायक की मांग पर सीएम भूपेश बघेल के निर्देश। सूरजपुर के सतपता में बेकाबू ट्रक पलटा, होटल में जा घुसा, हादसे में बाल बाल बचे लोग। गरियाबंद के ग्राम सिहार में हाथी ने महिला को रौंदा, मौके पर ही मौत। बिलासपुर में किसान को धमकाने के मामले में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरू असलम पर एक्शन। बिलासपुर में 20 लाख की लकड़ी जब्त, ट्रक से हो रही थी लकड़ी की तस्करी। धमतरी जिले में सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई, धमतरी, अर्जुनी और कुरुद में छापेमारी, 6 गिरफ्तार। कोरबा के सेंद्रीपाली में बाइक पर हाईटेंशन तार गिरने से लगी आग, बाइक सवार की मौत। पूर्व में सीसीएल गिरला, आरएसएल से होगा सालाना 20 मिलियन टन कोयला डिस्पैच। छत्तीसगढ़ में कल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र, जगदलपुर में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में शामिल हुए होंगे सीएम। बिलासपुर में शराब पीने से मना करने पर होटल संचालक से मारपीट, केस दर्ज। सीजन की पहली बारिश ने खोली बिलासपुर नगर निगम की पोल, सड़कों पर भरा पानी। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग की चेतावनी, प्रदेश के 14 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट। बिलासपुर जिले में झमाझम बारिश का दौर शुरू, मानसून की पहली बारिश से किसानों की जागी उम्मीद। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी, बिलासपुर और रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। दुर्ग शहर में लगातार बारिश से नहर नालों में भरा पानी, लोगों को गर्मी से मिली राहत। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, नमस्कार।